नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जवान सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीराम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कार्यपालन अधिकारी के आदेश का पीईओ द्वारा किया जा रहा था उल्लंघन। मौके पर पहुंची जब रामझाझर की टीम, तो देखकर भाग खड़े हुए लापरवाह कर्मचारी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में नरुआ, गुरुआ, गरुआ और बाड़ी के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कई बेजा कब्जा करने वालों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। वहीं पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चंदली में पंचायत अधिकारी कुमार सिंह के आदेश अनुसार केशव कुंज की जगह में धान संग्रहित केंद्र यानी धान रख रखाव के लिए चबूतरा बनाया था। वहीं पीओ द्वारा सीओ कुमार सिंह का आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। सर, आपके द्वारा जो केशव कुंज में प्रस्ताव दिया गया था, जो यहाँ पर जो जमीन कब्जा हुआ है उसको तोड़वा कर उसमें कुछ बनाया जा रहा है, तो आपको इसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? जी, हमने आज से करीबन 2 हफ्ते पहले जी जो हमारा गौठान है उसका जिस दिन बेजा कब्जा हटाया गया था जी, उस दिन केसर कुंज का भी बेजा कब्जा हमने हटा के बोला था कि उसको आपको जगह को संरक्षित करना है, कोई शासकीय काम है उसके लिए इसको प्रस्तावित कर दीजिए ताकि भविष्य में ये बेजा कब्जा ना हो जी। और उसके लिए पंचायत को, सरपंच सचिव को, एजेंसी को हमने लेटर भी जारी किया जी कि आप जो है केसर कुंज जो है जो हमने बेजा करा के दिया है जी, आप उसमें क्या करवाएंगे उसके लिए आप हमको प्रस्तावित करिए। लेकिन पंचायत बैठक जो अभी हुई थी 19 तारीख को, उसमें पंचायत बॉडी जो जिसमें सभी पंच लोग थे, सरपंच सचिव सभी लोग थे, उन्होंने ये जो बेजा कब्जा है, जो जमीन है जो सरपंच जी ने घेरा हुआ था, उसी को ही प्रस्तावित उन्होंने दे दिया। हो सकता है शायद वो खुद भी सयान है गांव के, तो उन्होंने केसर कुंज में ज़्यादा विवाद हो उससे बेहतर उनको ये लगा कि मैं अपनी ज़मीन जो बेजा कब्जा में है उसको धान चबूतरा के लिए दे दूं, ऐसा जैसे कि सर प्रस्तावित करके दिया। जैसे कि सोमवार को बात हुआ था, कोई पत्रकार भी गए थे, रामझाझर से भी गया था जी जी। ही पलटने वाली बात नहीं है, जो पंचायत ने जो प्रस्ताव दिया था जी, उसी जगह पे हमने आया और निरीक्षण किया, मौका देखा, और मौके में ये पाया गया कि ये काफ़ी उचित जगह है जी, धान संग्रहण चबूतरा केंद्र के लिए, और गाँव से लगी हुई भी ज़मीन है, तो हमने क्योंकि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया हुआ है तो यहाँ बनाना ज्यादा उचित हमको लगा। जानकारी के अनुसार चबूतरा लगभग 1 से 1.5 एकड़ में बनना था। पीओ द्वारा आधा एकड़ में पटवारी इंजीनियर के द्वारा चूना में नापा झोका कर लीपापोती करने की साजिश की जा रही थी। इस दौरान आरजे रामझाझर की टीम को सूचना मिलने पर मौका मुआयना करने पहुंची, तब कार्य को पूर्ण बंद किया गया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि पीओ की लापरवाही के ऊपर सीओ के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। का नाम? मेरा नाम दीनदास वगैरह से। कौन से पंचायत के हो? और ग्राम पंचायत चंदली का सरपंच। अच्छा, अभी जो बेजा कब्जा तोड़वा रहे हैं, ये किस वजह, किस लिए, मतलब बेजा कब्जा तोड़वा कर आप यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं? यहाँ पर धान संग्रहण का बना रहे हैं। अच्छा, धान संग्रहण केंद्र। धान संग्रहण केंद्र, तो इसमें क्या आपत्ति क्या आ रहा है? इसमें आपत्ति कि प्रस्ताव हुआ था केशव कुंज के लिए बोले थे सर। अच्छा, तो वहाँ पे बनाना है क्या करके, तो पंच लोगों और सभी सहमति से प्रस्ताव इधर का हो गया, जिसमें वहाँ कोटवार के जमीन से लेकर के वहाँ तक किया गया था। अच्छा, तो कैसे किया गया है, मतलब क्यों किया गया था जब प्रस्ताव, जब पहले निर्देश था कि सीओ सर का निर्देश था कि सीओ से इसमें प्रस्ताव दीजिए केशव कुंज में का करके, लेकिन पंच के बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव इधर, अब इसके लिए पीओ सर ही जान पाएंगे, और सीओ सर बोले थे जैसे बैठे थे तो कि जहाँ इसमें प्रस्ताव का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें प्रस्ताव का कोई जरूरी नहीं है, और केशव कुंज में ही बनाया जाए ऐसा करके सीओ सर बोले थे। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।